मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, अब कल से मीडिया में चिल्लाए जा रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा नगर निगम चुनाव कराने से डर रही है और निगमों के एकीकरण के नाम पर भाजपा नगर निगम चुनाव को टालना चाह रही है। हमेशा की तरह इस बार भी आपने सच नहीं बताया। आप दिल्ली की जनता को यह बताइए कि आपने निगमों के संवैधानिक हक का पैसा आज तक रोक के रखा है। आप दिल्ली की जनता को यह बताइए कि आपकी वजह से जो निगम जरूरतमंद लोगों को पेंशन देता था पिछले 4 साल से वो नहीं मिल पा रही। आप लोगों को यह बताइए कि आपने जो पैसा रोक के रखा है उसकी वजह से 3-3, 4-4 महीने तक लोगों को सैलरी नहीं मिलती, निगम के कर्मचारियों को पेंशन भोगी लोगों को पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ये सच आप दिल्ली की जनता को नहीं बताएंगे। आप दिल्ली की जनता को ये नहीं बताएंगे कि दिल्ली के तीनों मेयर अपने पार्षदों के साथ आपके घर के बाहर कड़कती ठंड में भिखारियों की तरह बैठे रहे केवल अपने हक का पैसा लेने के लिए, आपसे 2 मिनट मिलने के लिए, लेकिन आपने उनसे मिलना तक गवारा नहीं किया। आप दिल्ली की जनता को ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि निगमों के एकीकरण से दिल्ली की जनता को और एमसीडी को 200-250 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। आपकी असली छटपटाहट पता है क्यों है? क्योंकि आपने जिस प्रकार एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हरभजन सिंह और संजीव अरोड़ा बाकी लोगों को राज्यसभा की टिकटें बेची, जिस प्रकार आपका चिंटू वहां टिकट बेचते हुए पिटा पंजाब में, जिस प्रकार से आपने दिल्ली में विधानसभा की टिकटें बेची, उसी प्रकार से आपने दिल्ली की नगर निगम टिकटें भी तय कर रखी थी पैसों में। और आपको डर यह है यदि मान लो निगमों का एकीकरण हुआ, सीटें बदल गई, परिसीमन हुआ, तो आपके द्वारा उगाया गया पैसा, वो तय किया गया पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। असली डर, असली छटपटाहट यह है। आपके बहुत से कार्यकर्ताओं से हम लोगों की बात होती है तो वो कहते हैं जी अब पार्टी कह रही कि हम पंजाब में जीत गए हैं, अब टिकट का रेट बढ़ गया है, अब ज्यादा पैसे लाइए। यही है ना असली छटपटाहट। जवाब दीजिए दिल्ली की जनता को कि 4 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि 4 महीने बाद चुनाव होते हैं कि आप हार जाएंगे या आज जीत जाएंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा अरविंद जी।